इसराइल हमास युद्ध के बीच गाजा के राफा शहर में तबाही मची हुई है। जहां देखो वहां बम, गोलों, मिसाइल और रॉकेट हमलों की आवाजें गूंज रही हैं। राफा में शायद ही कोई ऐसा इलाका होगा जहां पर इजरायली सेना ने हमला ना किया हो, लेकिन अभी भी इजरायली सेना राफा में हमास के लड़ाकों की तलाश में घूम रही है। लेकिन हमास के लड़ाके उनकी मौत बनकर परछाई की तरह उनके पीछे पीछे चले आ रहे हैं। जी हां, ये हम नहीं कह रहे, बल्कि राफा के भीतर हमास के भीषण हमले इस बात की गवाही दे रहे हैं कि ये तो अभी शुरुआत हुई है, अभी आईडीएफ को राफा में बहुत कुछ देखना बाकी है। ऐसा माना जा रहा है कि राफा गाजा के भीतर हमास का एक आखिरी किला है जो अभी तक ढहा नहीं है, और वहां की घनी नागरिक आबादी हमास के लड़ाकों की ढाल बनकर खड़ी हुई है। लेकिन उसके बावजूद आईडीएफ राफा में हमास पर बार बार वार कर रही है। हमास के लड़ाके उसका दोगुनी ताकत से जवाब भी दे रहे हैं। दरअसल हमास की सैन्य शाखा अलकासिम ब्रिगेड्स ने एक वीडियो जारी किया है। ये वीडियो नेट जरीम एक्सेस का बताया जा रहा है। हमास के लड़ाके इस वीडियो में शॉर्ट रेंज वाले 114 mm कैलिबर रजूम मिसाइल से हमला करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा अलकासिम ने पूर्वी अल जैतून में इजरायली सैनिकों के ऊपर एक हैवी मोटर गोले दागे हैं। हमास ने इसका एक वीडियो भी रिलीज किया है। वहीं नेटजरीम एक्सिस में तो आईडीएफ के कमांड और कंट्रोल रूम पर हमला करने की जिम्मेदारी भी अब हमास ने ले ली है। वहीं दूसरी तरफ फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद की सैन्य शाखा अलकुस ब्रिगेड ने भी करीम अबू सलेम और सुफा मिलिट्री साइट्स पर बड़े हमले किए हैं। अलकुस का कहना है कि उसने यहां पर हैवी मोटर गोलों से हमला किया है। इसके अलावा असदोत, अस्कलान, मुफलसिम, नीराम और जेरोत सेटलमेंट पर भी रॉकेट फायर किए गए हैं। इसके अलावा हमास ने एक और वीडियो जारी किया है जिसमें उसने इजराइल के चार मेरकावा टैंक्स पर हमला करने का दावा किया है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि कैसे हमास के लड़ाके एक विस्फोटक बनाते हैं और फिर उसको चुपके से रास्ते में पड़े एक मलबे के ऊपर रख देते हैं, और इसके बाद जैसे ही मेरकावा टैंक वहां पहुंचता है उस बारूद को ये लड़ाके उड़ा देते हैं। इस हमले के बाद नेटजरीम एक्सिस में ही अलकुस ब्रिगेड आईडीएफ के एक कमांड और कंट्रोल रूम पर हमला कर देती है। अलक्सा ब्रिगेड ने इसका एक वीडियो भी जारी किया है जिसमें साफ दिख रहा है कि कैसे ये लड़ाके पहले एक दीवार में छेद करते हैं, उसके बाद वहां पर कैमरा लगाया जाता है जिसे स्नाइपर राइफल से कनेक्ट किया जाता है। इसके बाद ये लड़ाका स्नाइपर से दूर खड़े एक इजरायली सैनिक पर फायर कर देता है।